हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम के रील्स वीडियो पर मूवेबल वाटर मार्क कैसे लगा सकते हैं, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, वो अपने रील्स वीडियो को वाटर मार्क लगाने से आपका क्या बेनिफिट होता है और क्या नहीं। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत लगा के अपना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उससे इंस्टाग्राम पर लोग उसको कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देते हैं। अगर आप वाटरमार्क नहीं लगाते हैं तो, अगर आप वाटरमार्क लगा देते हैं तो वो एक बार ज़रूर सोचेगा कि इस वीडियो को उठाऊं या नहीं उठाऊं। दोस्तों, अगर फिर भी आपका वीडियो उठा के अपने चैनल पर डालता है तो उससे आपका ये बेनिफिट होगा, आपका चैनल प्रमोट किया जाएगा, जिससे आपके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो आपको इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। मार्क लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है काइन मास्टर, कुछ इस तरह से दिखता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और डाउनलोड कर। और इसमें वाटरमार्क आप किस तरह लगाएंगे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद ऊपर देख रहे हैं मीडिया, मीडिया पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो भी फाइल रखे हो उस फाइल को आप सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वाटरमार्क लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट कर देना है। टेस्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके अपना चैनल का नाम डाल देना है, जो भी आपका चैनल का नाम है। जैसे मान लीजिए हमारे चैनल का नाम है MTech23, तो हम ये अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसका फॉन्ट भी यहीं से हम चेंज कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर आपको फॉन्ट चाहिए, उस फॉन्ट को सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ इसको खींच के पूरे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर देना है। दोस्तों, फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी का कलर चेंज कर देना है। तो इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर जो भी इसका कलर जैसा भी रखना चाहते हैं, वैसा आप इसका कलर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका कलर ब्लैक रखता हूँ, तो ब्लैक पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वाटरमार्क ब्लैक हो गया। तो दोस्तों, अब इसको रिमूवेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके कुछ इस तरह से ऊपर लेके चले जाना है। इसके बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स, आपको इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, और यहाँ जो चाबी का आइकन दिख रहा है, चाबी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, स्क्रॉल करके इसको लास्ट में लेके चले जाना है। और लास्ट में लाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो आपका वाटरमार्क लिखा हुआ है, उसको सिंपली प्रेस करके आपको कुछ इस तरह से लेके आना है। इसके बाद यहाँ पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स, आपका ये वाटरमार्क मूवेबल हो गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे ये मूवेबल करता है। इसके बाद हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये वाटरमार्क आपका कैसे मूवेबल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी से अपने वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।